मंगलवार रात माणक चौक थाना पुलिस ने दबिश देकर जुआ खेल रहे 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को रोकने की कोशिश भी की गई। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद एक जिला बदर आरोपी फरार हो गया। आरोपी के पास से 1.5 लाख के लगभग की नकदी बरामद की गई है। वहीं बुधवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। जानकारी के मुताबिक रतलाम जिले में जुए के संचालन की खबर मिलने पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों ने कार्रवाई में बाधा पहुंचाते हुए हंगामा किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आज बुधवार को कोर्ट में पेश करने के पूर्व सभी आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला गया। माणक चौक थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि मंगलवार शाम को जानकारी मिली थी कि जिला बदर आरोपी उसकी गुवाड़ी में बड़े स्तर पर जुआ संचालित कर रहा है। जानकारी लगते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद लोगों ने काफी हंगामा भी किया। वहीं मौके से 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस दौरान मुख्य आरोपी एजाज जुआ खेल रहे लोगों की मदद से मौके से फरार हो गया, जिसके बाद माणक चौक पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को पैदल ही ले जाते हुए कोर्ट में पेश किया। हमारे पुलिस अधिकारी ने पकड़ लिया तो उनकी घर की महिलाएं हैं और उनका एक भाई जो प्रकरण में आरोपी है, उनने पुलिस पर हमला किया, जिससे पुलिस वाले जिस पुलिस वाले ने पकड़ रखा था उसको चोटें भी आई है, उसका मेडिकल कराया गया है और उसको पकड़ के खींच के अलग करके उसको भगा दिया। वहाँ से मौके से ये 2-3 लोग भागे हैं जो हमारे प्रकरण में आरोपी है। पुलिस ने 13 लोग पकड़ाए हैं। 1,40,800 रुपये का जुआ पकड़ाया है हमने। जुए के साथ में, जुए की धाराओं के साथ में पुलिस कार्य बाधा और जो कलेक्टर महोदय के आदेश से 188 का वो भी धारा का इंदराज किया गया है उसमें, और अभी हम लोग पहले पेश करेंगे थोड़ी देर में मेडिकल करवा। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।